नमस्कार दोस्तों, हम जानने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन स्नान करने के बाद धनुष लेकर पूजन वेदी पर कलश रखें। इसमें कुश से बना अष्टदल कमल फूलदान पर अर्पित करें। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर 14 गांठों वाला धागा तैयार कर लें। अब इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें। अब षोडशोपचार विधि से सूत और भगवान की मूर्ति की पूजा करें। पूजा के बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है और मंत्र जाप करने के बाद ये धागा पुरुषों को अपने बाएं हाथ पर बांधना चाहिए और महिलाओं को इसे अपने दाहिने हाथ के चारों ओर पहनना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। नमस्कार दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यार।